हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई थी हमारी 9 बजे और आज है सैटरडे। थोड़ा सा लेट हो गए निकलते क्योंकि रात लेट आए थे। रात में वीडियो एडिटिंग करके सोते लगा लो तकरीबन 1:30 बज गया मेरे को। फिर मैंने 9 बजे डिवाइस ऑन करा, मेरे को एक राइड आई जो फरीदाबाद की थी। राइड थी 31 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 337 रुपये और इसको छोड़ने में लगा 55 मिनट। सैटरडे का दिन था तो जाम वाम नहीं मिला, नहीं तो सुबह के टाइम 1.5 से 1.5 से 1.25 घंटे में यहाँ पहुँचते हम। तो अभी हूँ फरीदाबाद में और देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है, फिर बताता हूँ कंप्लीट जानकारी। आज दिन भर में हम कितने का काम करेंगे। एक रेंटल बुकिंग आ रही है, इसको देखते हैं उठा के। रेंटल बुकिंग स्वीकार कर लो भैया, इसको पिकअप करके फिर देखते हैं ये कहाँ जाता है भाई। तो गाइस, वहाँ से मेरे को रेंटल राइड मिल गई थी, मैंने आपको बताया था। राइड थी एक्चुअली, कंप्लीट जानकारी दी, पता नहीं उसने गलती से करी बुक रेंटल या वैसा, क्योंकि उसको खाली यहाँ से यहाँ आना ही था। राइड थी 13 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 217 रुपये, समय लगा 40 मिनट। अब देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी, 40 मिनट इसको छोड़ने में लगा। उसने कर रखी थी रेंटल बुक, बाकी चलो ठीक है। नॉर्मल राइड होती तो ये 13 किलोमीटर का 217 नहीं मिलता, और भैया ओला का कोई भरोसा नहीं दे भी देता ये। अब बाकी ये चीज़ थी, अगर ये नॉर्मल राइड होती तो मैं इसको 200 रुपये की क्यों नहीं उठाता, फालतू में टाइम वेस्ट होता इतने में। तो अभी हूँ मैं फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में सेक्टर कौन सा है, सेक्टर 29 है शायद, ठीक है अभी बताता हूँ कौन सा सेक्टर है। हाँ, सेक्टर 29। तो देखते भाई, कोई लंबी सी बुकिंग आ जाए तो लेके निकले ले यहाँ से, क्योंकि सैटरडे का दिन है, फरीदाबाद में फंसने वाली बात हो जाएगी। तो चलिए बताते फिर कहाँ से मिलती है। तो गाइस, ये देखो कहाँ पे हूँ मैं, नूहू से भी आगे आ चुका हूँ। ये है हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर। ये पहाड़ी देख रहे हैं सामने, ये देखिए होगी पहाड़ी आपको, ये सामने पहाड़ी दिखी ना, इसको पार करते ही राजस्थान शुरू हो जाएगा। और मैं आया हूँ नूहू में, आपने देखा मैं था फरीदाबाद। फरीदाबाद से मेरे को एक राइड आ गई थी जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की थी। राइड थी 34 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 377 रुपये प्लस इसमें MCD टोल वगैरह ये सब मिला है 377 रुपये। फिर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेरे को एडवांस में वहीं से एक राइड आई जो थी नूहू की। ये लोकेशन है नूहू, और राइड थी 90 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 1288 रुपये, इसको छोड़ने में लगा 2 घंटे 46 मिनट, जिसमें के 15-20 मिनट CNG भी ली गाड़ी की। अभी हूँ तावड़ू में, अरे तावड़ू को नूह में, नूह से भी 5 किलोमीटर आगे। ये बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये पहाड़ी क्रॉस करते ही राजस्थान शुरू हो जाएगा, और ये पड़ता है नूह मेवात में, सोना से 25-30 किलोमीटर आगे। तो अभी डिवाइस बंद कर दिया क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर की। अब पहले खाना वाना खाते हैं, फिर करेंगे डिवाइस ऑन, फिर बताते हैं यहाँ से रिटर्न की मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि अभी मिल रही थी फरीदाबाद की, मैंने नहीं उठाई, 55-57 किलोमीटर की थी फरीदाबाद की दिखा था, लेकिन मैंने नहीं उठाई। मगर छोड़ो, पहले खाना वाना खाएंगे उसके बाद उठाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ से मिलती है। तो अभी खड़े हैं नूहू टर्मिनल के पास, बस टर्मिनल। ये है नूहू बस स्टैंड, और ये है नूहू, और खाना वाना खा लिया, अभी कर रहे डिवाइस में बुकिंग की इंतजार, भैया कोई आ जाए। अब देख, ये नूहू है और ओला में हमारा सिर्फ 200 रुपये ली का काम हुआ भैया, ओला ही कर दे कुछ, क्योंकि अगर ऊबर यहाँ से बुकिंग देगा ना, वो देगा 700-800 रुपये में दिल्ली पहुँचा देगा। ऊबर का ऐसे ही है, बाकी देखे भैया इस टाइम तो कुछ भी मिल जाए, यहाँ से खाली जाने से तो अच्छा है। तो गाइस, नूह से तो हम चल दिए हैं
सोना की तरफ को चल रहे हैं, देख सकते हैं। अब सोना में ही जाके देखेंगे भैया कोई मिल गई तो, सोना पे यह एक आस, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिली भाई। समय हो चुका है 6 बज गए, 1.5-2 घंटा खराब हो लिया, कोई फायदा नहीं है खड़ा होने से। अब चलेंगे अपना सोना, और सोना में जाकर इंतजार करेंगे 1-1.5 घंटा वहां भी। अगर वहां से भी नहीं मिली फिर गुड़गांव टापेंगे भैया, यही होता है काम का, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है। कल देखो वहां पहुंचा था मैं दारू एड़ा गया, 1 घंटा इंतजार करा, फटाक से वापसी की मिल गई। ऐसे ही होता है, अब यहाँ से नहीं मिली, सोना से देखेंगे। तो गाइस घूमता घूमता मैं आ चुका था सोना। सोना में मेरे को एक राइड मिली, काफ़ी देर तो खैर सोना में भी इंतजार करता रहा मैं, फिर एक राइड मिली जो थी गुड़गांव रेलवे स्टेशन की। राइड थी 30 किलोमीटर की, लेकिन उसकी खानी कुछ ऐसी है, जैसे मैं गया रेलवे मासी उसकी लोकेशन पे पहुंचा, तो भैया इतने बंदे थे उस पर, भरते भरते भरन लग रहे गाड़ी में। मैं कह रहा भाई क्या कर रहा है, कितने बंदे हो? मैं कह रहा बस 8। मैं कहा 8 में भी बस लगा रहा है? अरे तेरा भला हो जा। मैं कहा भाई तूने बस बुक करता तूने ये करी है? कह रहा भाई जल्दी है हमें जाना रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पकड़नी है ये वो। मैं कह लगा भाई 7 सीटर गाड़ी बुक कर। उसमें कह रहा भाई एक गाड़ी हमने पहले बुक करी थी, उसने लेट करा दी, अब देख ले ये ऐसा गिड़ करने लगा भाई ट्रेन है हमारी ट्रेन है। तो मैं कह लगा भाई नहीं हो पाएगा। कह रहा कुछ एक्स्ट्रा ले लेना यार छोड़ दे। फिर मैंने सोचा मैं कह चल रात का टाइम है यार, कौन देखेगा, देखी जागी। मैं कह चल मुझे भी वहाँ जाना है। और कुल मिला के सिचुएशन ऐसी आई कि मैंने बस बैठाना पड़ गया उनको, 200 रुपये एक्स्ट्रा मैंने उनसे बोल दिया था। तो भाई राइड थी 30 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 308 रुपये प्लस 125 रुपये टोल। भाई मेरे को तो देखो फ़ायदा ही हुआ है आने का, और 200 रुपये एक्स्ट्रा, इसमें 200 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि वह सवारी ज़्यादा थी। मेरे को तो फ़ायदा ही हुआ है, मैं सोना नू से देख लो सोना आ लिया। और मुझे ऐसी लग रहा था क्योंकि सोना में भी मुझे काफ़ी देर हो गई थी इंतज़ार करते हुए, तो मुझे गड़बड़ यही लग रही थी कि भाई आगे भी मेरे को ऐसे ही ना जाना पड़ जाए। तो फिर भैया इंतज़ार करके मैं कह चल तू उठा ले, लेके चल पड़ा। तो मेरे को तो फ़ायदा ही हुआ, टोल भी मिल गया, राइड भी मिल गई। राइड 300, 200, 500 की राइड होगी सीधी सी, और भाई टोल भी मिल गया। तो जैसा भी है ठीक करा या गलत करा कमेंट करके ज़रूर बताए। अभी हूँ गुड़गांव रेलवे रोड पे, लगा दी है गो होम घर के लिए। अब देखता हूँ कोई घर के लिए बुकिंग आ जाए, बस काम तो नू है हल्का ही रहा है, और हल्का ही मतलब सैटरडे का दिन आ लेट निकला था तो इतना हल्का भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो ठीक है अपना मीडियम काम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कोई छोटी मोटी सी मिल जाए तो नू है 3000 रुपये तो फिर भी हो जाएंगे। तो गो होम लगा दी, वेट करते हैं, रैपिडो में भी लगा देते हैं। और भैया लाइव आ गया था मैं इंस्टाग्राम पे, मैंने बताया बंदों को कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लाइव जब बताया यहाँ पे कि यहाँ पे सोना में खड़ा हूँ लाइव में, तो भाई जो लाइव में बंदे आ रहे थे उन्हें मेरे को वहीं से बुकिंग लगानी शुरू कर दी। मजे ले रहे भैया, कोई 1000 की लगा रहा बुकिंग रैपिडो में, कोई कितने की बुकिंग लगा रहा। फिर सुहेब भाई को भी मैंने बता दिया कि भाई सुहेब भाई भी थे लाइव में, क्योंकि सुहेब की लाइव थी, मैंने बताया उसे सोना, तो सुहेब ने भी अपने मोबाइल से सोना से राइड बुक करी, वह एक्सेप्ट भी मैंने ही कर ली। मेरे भैया पूरे मजे ले रहे हो। तो गाइस समय हो चुका है 9:30 और हम चल दिए खाली घर की तरफ। ये है टोल रोड, टोल हमने क्रॉस कर दिया है और अभी हम जा रहे एयरपोर्ट की तरफ को। काफ़ी देर इंतज़ार कर ली वहाँ पे, नहीं कुछ मिला, तो फिर यह कब तक इंतज़ार करेंगे। रैपिडो में मिल ली थी IMT मानेसर, मैं कहा मानेसर जाने की टाइम है या दिल्ली जाने का टाइम है? तो कोई बात नहीं भैया, आज की काम डाउन ही रहा है सैटरडे का दिन,
मीडियम रैक हो, ये अभी नहीं है 2700 रुपये का तो काम हो ही गया है समथिंग। सीधा सा काम की भी बात बता दूं मैं आपको कि 2000 रुपये का काम तो हमारा ऊबर में हो गया। अब आ रही महिपालपुर की, 2000 रुपये का काम हमारा ऊबर में हो गया, 550 रुपये का हमारा ओला में हो गया, और 200 रुपये ये एक्स्ट्रा लिए जो हमने, तो 2700 रुपये का हमारा काम टोटल हो चुका है। और क्या बस यही है, 2700 रुपये का काम। चलो ठीक है, जैसा भी है, सैटरडे का दिन है। और घर पहुँचते पहुँचते अभी बजा है 9:30, आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। रोड खाली पड़ा हुआ है, इतना जाम नहीं था, हालांकि लास्ट के हमें 2 राइड में बहुत ज़्यादा जाम मिला। यहाँ से हम जो वहाँ गए नू उसमें भी, और फरीदाबाद से जो हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गए उसमें भी, बाकी वैसे नॉर्मल ही रहा, ज़्यादा जाम नहीं था। तो कैसी लगी ये वीडियो, 10 बजे तकरीबन हम घर पहुँच जाएंगे, और CNG भरवाने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हो जाएगा। CNG तो सोच रहे हैं यहीं एयरपोर्ट के यहीं भरवा लेते हैं, और 10:15 बजे पहुँच जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो, 9 बजे स्टार्ट करी थी हमने, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल है संडे, अब कल का देखेंगे कैसा रहेगा काम।